Assalamu alaikum guys, and welcome to another episode of Pooch Lo with me, Raja Zia. Let's get straight to our questions. Aaj ka pehla sawal aaya hai ji Kamran Ajmal Arai sahab ki taraf se, jo keh rahe how to train our mind to stay focused. Mind ko train karne ke liye sabse pehli baat ye hai ki aapne apne aap ko sabse pehle distractions ko dur karna hai. Aajkal hamare paas sabse badi distraction jo hai wo hamara mobile phone hai, aur aksar aukaat ye hota hai ki aap koi kaam karne baithte hain to aapka phone jo hai na continuously aapko apni taraf mutawajjo karta rehta hai, ping ping hoti rehti hai, aap kabhi WhatsApp pe message aa raha hai, kabhi Facebook notification aa rahi hai. So kya hota hai ki aap ek kaam start karte ho lekin wo jo phone hai wo aapko distract karta rehta hai. So phone ho ya TV ho ya koi aur cheez ho, sabse pehle aapne koshish ye karni hai ki aap apne ird gird ki distractions ko eliminate kare. तो फोन अगर आपके पास पड़ा हुआ है उसको या तो एयरप्लेन मोड पे ले जाएं या उसको स्विच ऑफ कर दें टिल द टाइम दैट यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क. फॉर एग्जांपल कोई होमवर्क है, कोई असाइनमेंट है, कोई भी और चीज़ है, फोन को थोड़ी देर के लिए आप दूर कर दें. दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अपने वर्क स्पेस में जहाँ पर भी आप काम करते हैं कोशिश करें कि जो क्लटर है ना उसको एलिमिनेट करें. ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल एंड नीट एंड कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड. जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज रहेंगे तो आपको वो जो क्लटर है ना ये भी एक बॉदरसम चीज़ होती है. कुछ चीज़ नज़र आ गई फिर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. सो कोशिश करें कि जब भी आप किसी जगह पे बैठे हैं उस एरिया को आप ऑर्गेनाइज कर लें या क्लीन कर लें. और थर्ड एंड फाइनल चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कोशिश करें कि अपने आप को ना अपनी टास्क को टाइम बॉक्स करें. टाइम बॉक्स क्या होता है कि आपने अपने आप को बाउंड कर दिया कि ये टास्क जो है ना इंशाल्लाह मैं इस पर 30 मिनट्स लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूँगा, फिर 30 मिनट्स दोबारा काम करूँगा, फिर 5 मिनट ब्रेक लूँगा एंड सो ऑन. तो जो टाइम बॉक्सिंग होती है ना ये इसमें रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है अब कि जितने लोग भी अपनी यानी हमारा जो ब्रेन का जो अटेंशन स्पैन है दैट्स बिटवीन 25 to 35 मिनट्स समवेयर बिटवीन देयर. तो अगर आप अपनी टास्क को इसके बीच में करेंगे ना तो काम ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाएंगे. अगर आप ये कहें कि जी ये काम मैं अभी 3 घंटे करूँगा बैठ के तो आपको और मुझे पता है कि वो 3 घंटे कभी भी फुली यूटिलाइज नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि शुरू के कुछ मिनट्स यूटिलाइज होंगे, उसके बाद आप डे ड्रीमिंग मोड में चले जाएंगे और फिर एंड के जो आखिरी 10-15 मिनट हैं उसमें शायद दोबारा से आप जाग जाएँ और आप उसको दोबारा से काम शुरू कर दें. इसलिए कोशिश करें कि स्मॉल बैचेस में काम को ब्रेकअप करें और इस तरह से आपके लिए फोकस रहना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. आज का दूसरा सवाल जी हमारे पास आया है एहसन खान की तरफ से और ये भी सवाल ब्रेन से रिलेटेड है. पूछ रहे हैं ब्रेन को तेज़ करने के लिए क्या चीज़ अपनाएं, सुन्नत तरीका बताएं प्लीज़. देखिए ब्रेन को तेज़ करने के लिए अब आप ये कुछ चाहेंगे कि मैं आपको ये कहूँ कि अजवा खजूरें खाएं और उसमें जमजम मिला दें और ये ठीक है. ये चीज़ें यानी सुन्नत की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं लेकिन वो जनरल क्योर्स हैं जैसे अजवा खजूर है या जमजम है या. लेकिन असल चीज़ जो है ना ब्रेन को तेज़ करने के लिए वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अपने टीचर जो थे वकी के पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो रहा है तो मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए. तो उनके टीचर ने उनको कहा कि बेटा आप गुनाहों को छोड़ दें क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं जानता. यानी उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है ना इल्म जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ एक नूर है और फरमाया कि कोई भी चीज़ जो है ना वो इसको यानी नॉलेज तब तक आपको पास कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप अपने आप को गुनाहों से दूर नहीं करते. गुनाह जो है ना वो आपकी मेमोरी को कमज़ोर कर देते हैं. तो उन्होंने कहा कि बेटा फिर गुनाहों को छोड़ दो कि नॉलेज इज़ द लाइट ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह सुब्हानहू डज़ नॉट गिव इज़ लाइट टू द सिनर्स. सो हमारे लिए क्या ज़रूरी होगा स्टेज पे कि हम अपने गुनाहों को छोड़ें, तौबा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें. इंशाल्लाह और रहमान अल्लाह ताला हमारे लिए वो काम आसान करेगा. और दूसरी टिप्स में मैं आपको ये भी बता सकता हूँ ब्रेन को तेज़ करने के लिए कि अपने आप को ना कुरान मजीद से जोड़ के रखें. मैंने देखा जो लोग भी कुरान को पढ़ते हैं रेगुलरली पढ़ते हैं मुताला करते हैं तिलावत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके दिमागों को ना शार्प कर देता है. तो अपने पूरे डे के अंदर कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर रखें जब आप कुरान को इंशाल्लाह ताला पढ़ सका करें. बाकी ब्रेन की डेवलपमेंट में देयर आर टन्स ऑफ अदर बुक्स आउट देयर जो आप पढ़ सकते हैं सीख सकते हैं. मैं सिर्फ आपको छोटे से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो दीनी एतबार से हम कर सकते हैं. फाइनल क्वेश्चन आज का जी है समबडी कॉल्ड शॉर्टकट्स. That's a nickname. That's not a real name, obviously. पूछ रहे हैं जी कि I'm someone very fashionable, but now I have slowly started understanding Islam. I have started praying, though I'm taking my little steps, but I fear that I might not change for the deen, but I really want to. Please help me. How should I tackle this situation? तो इनका कहना है कि जी बहुत फैशनेबल हैं, नमाज शुरू कर दी है लेकिन आराम आराम से दीन की तरफ आ रहे हैं, डर भी लग रहा है कि शायद वो दीन के लिए चेंज ना कर पाएँ. तो देखिए सबसे पहली बात यह कि अल्लाह सुब्हान तआला खुद फरमाते हैं कुरान मजीद में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान. कि ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ एंड डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान यानी शैतान के नक्शे कदम पर ना चलना. तो देखिए ये आपसे एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट नहीं है कि कल से आप मुफ्ती मौलाना हज़रत अल्लामा बन जाएंगे लेकिन एज लॉन्ग एज़ यू आर टेकिंग दोज बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हान तआला यानी तो ये एक अच्छी चीज़ है. यानी अल्लाह सुब्हान तआला को जो यानी हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा अच्छे आमाल लगते हैं वो कौन से हैं, वो हैं जो
چھوٹے ہیں وہ بے شک لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا چھوٹے چھوٹے گولز دیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے تو پانچ وقت کی نماز اپنی پکی کرنی ہے, پھر آپ نے کہا کہ چلو اب اس میں میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتا ہوں نوافل کا بھی, پھر آپ نے اپنے آپ کو کوئی چیریٹی کی جو ہے نا گولز دے دیے کہ مجھے مہینے میں کم از کم اتنے روپے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے, مثال کے طور پہ 1000 روپیز 2000 روپیز جو آپ کے لیے آسان ہے آپ اپنے آپ کو گولز دیں. اسی طرح سے دن میں مجھے کتنا قرآن پڑھنا چاہیے, آپ سمجھ لیں کہ چلیں کیا میں ایک رکوع پڑھ سکتا ہوں ہر روز, کیا میں دو آیتیں پڑھ سکتا ہوں ہر روز, کیا میں ہاف اے پیج پڑھ سکتا ہوں فل پیج پڑھ سکتا ہوں. اپنے آپ کو گول ضرور سیٹ کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. تو کوئی نہ کوئی اپنا پلان رکھیں کہ میرے تلاوت کے کیا گولز ہیں, میرا نماز کے کیا گولز ہیں, کتنی نوافل میں نے ایکسٹرا پڑھنے ہیں, اس کے علاوہ یہ کہ میں چیریٹی کتنی دوں گا, اس کے علاوہ اور میں نے اسلامک کانٹینٹ کوئی دیکھنا ہے, کوئی بکس میں نے پڑھنی ہے. تو اپنے آپ کو گولز دیں اینڈ آہستہ آہستہ یو ول فائنڈ کہ یو آر امپروونگ. بلیو می اگر آپ کوئی بھی کام کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہیں ایونچولی یو بیکم ویری گڈ ایٹ اٹ, وہ آپ کے لیے ایک نیچرل سی چیز بن جاتی ہے. سو ان شاء اللہ ڈونٹ لوز ہوپ, رادر کیپ ورکنگ اینڈ ان شاء اللہ سبحانہ تعالیٰ ول فیسلیٹیٹ یو ان آل دا گڈ دیٹ یو ڈو. اوکے گائز, سو آئی ہوپ یو فاؤنڈ دیز آنسرز بینیفیشل. دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم آئی ول سی یو آن اندر ایپیسوڈ آف پوچھ لو. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.